क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम बिहार में। मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव। भागलपुर में व्यवहार न्यायालय परिसर में उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया। अधिवक्ताओं का कहना है कि बिहार झारखंड के बंटवारे के समय से खंडपीठ की स्थापना की मांग की जा रही है और भागलपुर में काफी मामले लंबित भी हैं, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खंडपीठ की मांग कई सालों से की जा रही है लेकिन आज तक मांग पूरी नहीं हुई। भागलपुर जिला में उच्च न्यायालय खंडपीठ सर्किट कोर्ट की स्थापना के लिए हम लोग अधिवक्तागण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग है? हम लोगों का मांग है कि बिहार में भागलपुर प्रमंडल से जुड़े हुए काफ़ी बड़े क्षेत्र में जहां की काफ़ी लंबित मामले हैं न्यायपालिका में, उसकी सुनवाई के लिए लोगों को सुलभ न्याय के लिए भागलपुर में उच्च न्यायालय खंडपीठ सर्किट कोर्ट की स्थापना होनी चाहिए। वही भागलपुर के 3 टंगा गांव में पिछले साल गंगा के ऐसे कहर बरपाया था कि कई घर कटकर गंगा में समा गए थे, जिसके बाद से सीएम नीतीश ने हवाई सर्वेक्षण किया। अब इस गांव को बचाने के लिए कवायद शुरू हो गई है। बता दें कि विभाग की ओर से 15 करोड़ रुपया कटाव रोधी कार्य के लिए मुहैया कराया गया है। कटाव से बचाव के लिए इस महीने के अंत तक कटाव रोधी कार्य शुरू हो जाएगा, जिसमें 600 मीटर में पत्थर से कार्य किया जाएगा। वहीं इस बार कटाव पीड़ितों को मुआवजा भी मिला है। रोजी देवी ने बताया कि 2022 में सावन महीने में उनका का मकान कटकर गिर गया था। सरकार ने उन्हें 95,000 रुपए का मुआवजा दिया है। जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण कर कटाव रोधी कार्य को शुरू करने का निर्देश भी दिया। इसी के तहत कोशी और गंगा नदी में कई बड़ी योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। सर, नरसिंह के 3 टंगा में रगड़ा में कटाव रोधी कार्य के लिए 15 करोड़ रुपए मिले हैं, किस तरह का काम होगा और कब तक काम होगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हवाई सर्वेक्षण किया था गंगा और कोसी नदी, जो दोनों में जो कटाव होता है इसका कई महीने पहले उन्होंने खुद निरीक्षण किया था और उन्होंने दिशा निर्देश दिया था कि सभी कार्यों को जो है अविलंब प्रारंभ कराया जाए। उसी कड़ी में कोसी और गंगा नदी दोनों में नौगछिया साइड में भी वहीं भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के चमनिया दियारा में थाना पुलिस और सीआईटी टीम के द्वारा अवैध रूप से देशी शराब बनाई जाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की गई, जिसमें सैकड़ों लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया गया है। वहीं 100 लीटर शराब को बरामद भी किया गया है। साथ ही अवैध रूप से देशी शराब फैक्ट्री चला रहे 4 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शराब बनाने के काम में आने वाले बर्तनों और गैस सिलेंडर को भी बरामद कर लिया गया है। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव बिहार के सबसे बड़े अस्पताल एसके
MCH मुजफ्फरनगर में अचानक निरीक्षण करने पहुंचे, जिसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों के बीच हड़कंप मच गया, जहां तेजस्वी यादव ने कई वार्डों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान कई तरह की कमियां भी पाई गई, खासकर डॉक्टरों की कमी को लेकर भी वो नाखुश दिखे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ बहुत सी कमियां नजर आ रही हैं, कई जगह डॉक्टर उपस्थित नहीं है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि SKCH अधीक्षक को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है, जिसमें सभी कमियों को सुधार ले, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। सीतामढ़ी गए थे, सीतामढ़ी में आप लौटते हुए बगल में पड़ता है, तो सोचा के देखिए कि क्या कमी है। बहुत कमियां नजर आई है और जो भी कमी नजर आई है उस पर कार्रवाई की जाएगी, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और हम लोग तो चाहते हैं डॉक्टर को जो उपलब्धता हो, कई जगह डॉक्टर नजारत में नहीं, लेकिन दवाओं की उपलब्धता होनी चाहिए, मशीन काम करना चाहिए। अगली खबर गया जिले से है, जहां मेघरा थाना क्षेत्र के चर्चित आत्महत्या कांड में CDSP की टीम घटनास्थल पर पहुंची, जहां उन्होंने बारीकी से हर एक बिंदुओं पर जांच की। बता दें कि मालती देवी ने 3 बच्चों की हत्या कर खुद फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। गया के CDSP मामले का बारीकी से पड़ताल किया जा रहा है। मृतका के परिजनों और मृतका के पति पर प्रताड़ित करने और मारपीट करने का आरोप लगाया है, जिससे ये तनाव और पीड़ित के चलते उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली और अपने बच्चों को भी मार दिया। संवेदनशील मैटर था, एक महिला मानती देवी थी और 3 बच्चों के साथ उनकी जो बॉडी है वो पाई गई थी उनके घर पे फांसी के लटकाए हुए सिचुएशन में। जैसे पुलिस को सूचना मिली, हम लोग तुरंत रात में आके अग्रिम कार्रवाई किए, शव को हमने जब्त किया और लोगों का बयान वगैरह लिया, तो और PO को देख के ये क्लियर हुआ कि महिला ने खुद को फांसी लगाई, पहले बच्चों को अपनी लगाई फांसी, फिर खुद को लगाई, तो उसके लिए केस हुआ अलग से। बाकी फिर जो महिला मानती देवी के जो घर वाले थे उनका कुछ एलिगेशंस था कि जो उनका हस्बैंड है उनको टॉर्चर करता है, इस तरह का घरेलू थोड़ा सा टेंशन था, तो उसी के लिए उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में आके ये कदम उठाया है। सुपौल जिला के प्रतापगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सुरजापुर पंचायत के वार्ड नंबर 9 में दलित समुदाय बस्ती के बीचों बीच निकलने वाली सड़क जो मुख्य सड़क को जोड़ती है, उन्हीं सड़क पर घर बना लेने से बस्ती से बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाने का मामला सामने आया है। वहीं इससे लोगों को आने जाने में भी परेशानी हो रही है, जिसके बाद लोगों ने विभागीय पदाधिकारी को आवेदन देकर रास्ता खुलवाने की भी मांग की, जिसके बाद पदाधिकारियों ने मामले में कोई एक्शन नहीं लिया है। पहले जो सड़क ये जिस जहाँ पे आप लोग हाँ हैं अपने सब हैं, ये रास्ता मेन रोड में कंटेक्ट था पहले और जाना आना होता था। लगभग 1-2 महीना पहले रास्ता क्लोज हो चुका है। इसीलिए क्लोज हुआ है कि अभी हाल में नापी जो हुआ है, नापी में वो ज़मीन रैयती का है जो पहले मेन रोड जो पहले आम सड़क था वो। अगली खबर सहरसा से है, जहां गोपालगंज की DM जी कृष्णैया हत्या मामले में पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के बाद पूर्व सांसद के गांव में 2 दिन बाद भी जश्न का माहौल रहा और गांव के लोग रंग गुलाल और मिठाई खिलाकर जश्न मना रहे थे, और साथ ही गांव के लोगों ने पूर्व सांसद की तुलना भगवान राम से भी की। आज तीसरे दिन है मेरा राम जी को वापस आए हुए, क्योंकि वो बरसों से 14 वर्ष से नहीं था मेरा गांव में, नहीं था, वो जेल में था। तो हम मानते हैं कि वन में गया मेरा राम जी, वनवास समझ के हम सब यही मना रहे हैं कि वनवास से मेरा राम जी आया है। इसीलिए मैं होली दिवाली मना रहे हैं, जितना बरसों साल भर में जितना पर्व आते हैं उतना खुशी मना रहे हैं। देखिए, इससे बड़ी खुशी की बात हो ही नहीं सकती है, पूरे बिहारवासी के लिए खुशी की बात है। ये तो उनका गांव है, जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, यहाँ के लोग में इतनी खुशी है कि इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हज़ारों महिलाएं, गांव के जितने भी ग्रामीण हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग जो है सो होली मनाने का काम कर रहे हैं, दीपावली मनाने का काम कर रहे हैं, और हमको लगता है जो कि ये अनवरत चलेगा।
रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखिए हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। स्वागत है आपका, रुख करते हैं अगली खबरों की ओर। भागलपुर में आनंद मोहन की रिहाई के बाद पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर लगातार हमलावर है। एक तरफ विपक्ष इसे गलत बता रहा है तो वहीं दूसरी तरफ गठबंधन के नेता इसे सही बता रहे हैं। भागलपुर पहुंचे राजद के PHED मंत्री ललित कुमार ने कहा कि आनंद मोहन की सजा पूरी हो चुकी है, इसलिए सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया। जो हुआ सही है, अच्छे आचरण को देखते हुए और सजा पूरी कर लेने के बाद सरकार का ये अधिकार है। आनंद मोहन जी का तो जो सरकार ने निर्णय लिया है, तो सरकार ने निर्णय लिया है तो अच्छा ही निर्णय लिया होगा। आनंद मोहन जी का सजा पूरा हो गया होगा और सरकारी प्रक्रिया के अधीन आया होगा, उसी में सरकार ने निर्णय लिया। सरकार को यह अधिकार है, विपक्ष से सवाल करेगा, ठीक है विपक्ष का सवाल करना, लेकिन जो भी हुआ है नियम तो हुआ है और नियम के तहत हुआ है और अच्छे आचरण और सजा पूरा कर लेने के बाद सरकार को यह अधिकार है। भागलपुर में कई ऐसे क्षेत्र, वहीं भागलपुर के समीक्षा भवन में PHED मंत्री ललित कुमार यादव की अध्यक्षता में जलापूर्ति व्यवस्था की स्थिति को लेकर बैठक की गई और PHED मंत्री ललित कुमार यादव ने सभी प्रखंडों में नल जल योजना और जल संकट की स्थिति को जाना। साथ ही बैठक में मौजूद DM समेत अन्य अधिकारियों को जल संकट दूर करने के लिए रोड मैप तैयार करने के भी निर्देश दिए। वहीं मोतिहारी के गंडक दियारा क्षेत्र में करीब 10,000 एकड़ में तरबूज की खेती कर सैकड़ों किसान अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, साथ ही अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। गर्मी का मौसम आते ही तरबूज की मांग बढ़ गई है। बता दें कि क्षेत्र के इजरा, संग्रामपुर, बिंद टोली, पुछरिया, भवानीपुर, मंगलापुर, डिमुरिया आदि क्षेत्रों में तरबूज फसल की उपज अच्छी हो रही है। वहीं बिहार के कई जेलों में बंदियों के लिए एक कानून संशोधित किया गया है, जिसका लाभ बिहार के कई जिलों में बंद 27 बंदियों को मिला है, जिसमें प्रमुख नाम राजद विधायक चेतन आनंद के पिता और बाहुबली आनंद मोहन का नाम है, जो गोपालगंज के तत्कालीन DMG कृष्णैया हत्याकांड के अभियुक्त थे। वहीं मुजफ्फरपुर जेल में बंद दरभंगा जिले के हायाघाट थाना क्षेत्र के रहने वाले विजय कुमार सिंह नाम के व्यक्ति हत्या मामले में सजा काट रहे थे। वहीं न्यायालय द्वारा आर्थिक दंड के बाद मुजफ्फरपुर के केंद्रीय कारा में बंद विजय सिंह के रिहाई की देर रात हो गया। बताया गया कि विजय सिंह पर जो आर्थिक जुर्माना लगाया गया था वह कानूनी प्रक्रिया के तहत जमा कराया जा चुका है। मर्डर केस में सर गलत में।
बिहार में पुलिस विभाग सिपाही की तैयारी करने वालों के लिए खुशखबरी है। बिहार पुलिस जल्द ही 21,391 पदों पर सिपाही भर्ती के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी करेगा। विभाग इस बहाली प्रक्रिया को साल के दिसंबर माह तक पूरा कर लेने की तैयारी में है। बता दें कि इसकी जानकारी एडीजी हेडक्वार्टर जितेंद्र सिंह गंगवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। बिहार पुलिस में अब तक की एक साथ बहाली की सबसे बड़ी संख्या के बारे में अब शीघ्र ही हम लोग नई एडवर्टाइजमेंट के साथ में नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने वाले हैं। कुल 21,391 पदों पर सिपाहियों की नियुक्ति के लिए रिक्विजिशन गृह विभाग के द्वारा रोस्टर क्लियर होने के उपरांत कल पुलिस विभाग ने सिपाही चयन आयोग सिपाही भर्ती चयन पर्षद को भेज दिया। अगली खबर सहरसा से है, जहां प्रखंड क्षेत्र के पहलाम ब्राह्मण टोला में वार्ड सदस्यों की अगुवाई और समिति के प्रखंड अध्यक्ष की अध्यक्षता में टीवी स्क्रीन लगाई गई और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनने को लेकर बनमा इटहरी प्रखंड क्षेत्र में जगह जगह टीवी स्क्रीन के पास भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। नालंदा के रहुई में युवाओं ने एक स्टार्टअप की शुरुआत की है। स्टार्टअप का नाम हरचंद्रा ब्लॉक मॉनिटरिंग कंसल्टेंसी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड है, जिसका उद्घाटन किया गया। कंपनी का उद्देश्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना और लोगों को उसमें जोड़ना है। संस्था के CEO राकेश रंजन ने बताया कि सरकार ने कई जन कल्याणकारी योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन लोगों के बीच इसकी जानकारी कम है। उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है इसकी जानकारी नहीं है, इस वजह से अच्छी और लाभकारी योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। इस स्टार्टअप का उद्देश्य ही है कि सेवा आपके द्वार तक पहुंच सके। नई तकनीक के माध्यम से हमारी टीम आपके घर तक जाकर आपकी जरूरत की योजनाओं और प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करने में मदद करेगी। देखिए, ये जो HBMCS जो आप देख रहे हैं, हरचंद्रा ब्लॉक मॉनिटरिंग कंसल्टेंसी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, ये रहुई से शुरुआत हुआ है। ये इसका काम है लोगों को जो भी सरकारी योजनाएं हैं, जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, उसको घर घर तक पहुंचाने का काम ये कंपनी करेगा। उसमें बहुत सारे चीज़ है जो आज बिहार में देख रहे हैं कि रोजगार नहीं है, उसको लेकर कर करके उसको रोजगार करने के लिए बहुत सारे उसको समस्याएँ आता था लोगों को, जो डॉक्यूमेंटेशन सही से नहीं बन पाता था, प्लस बैंकों की जो उसका बैंक के साथ में जो उसका मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता था, और बहुत सारे चीज़ है इसमें जो कि लोगों तक पहुंचेगा। और इस कंपनी का यही उद्देश्य है कि जो भी रोजगार बेरोजगार जो बैठे हुए हैं 18 वर्ष से 35 वर्ष के लोग जो लोग हैं जो अभी भी गांव में बैठे हुए हैं, उनको रोजगार दिलाना और किसान की आमदनी दोगुना करवाना। खबर नालंदा से है, जहां बिहार थाना क्षेत्र के शेरपुर मोहल्ला निवासी युवक की पत्नी ने स्थानीय थाने में अपने बेटे के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और साथ ही बताया कि उसका बेटा एक युवक ने चूड़ी की फैक्ट्री में काम करवाने के लिए ले गया था, जहां से उसे जयपुर भेज दिया गया और अब तक वो वापस नहीं आया है। जबकि पूछताछ करने पर वह कहता है कि उसे वापस घर भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक नहीं लौटा है, जिसकी वजह से उन्हें किसी अनहोनी की आशंका है। हमारे साथ घटना हुआ, मोहम्मद मुन्ना ने बच्चा को ले जा रहा था और उसने उससे मेरे से बात भी हुई जयपुर में सिर्फ एक बार, और फिर बोलता आपका बच्चा चला गया, बच्चा उसी के पास। कौन है ये मुन्ना? कौन? मुन्ना मालिक है। कहाँ का रहने वाला है? रहने वाला है मरसुआ में, उसका घर है और कटरा में उसका घर है। बिहार की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।
क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।